हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनपी गाइड्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बोलूंगा दार्जिलिंग जिला के 10 सबसे खूबसूरत स्थानों के नाम एंड उन सब प्लेस का खासियत क्या है इनके विषय में। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिशा में हिमालय के गोद में बसा हुआ एक जिला है। हिमालय का गोद में बसा हुआ बोल के ये दार्जिलिंग का टूरिज्म बहुत पॉपुलर है। दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर छुट्टी बिताने के लिए, साथ ही साथ ये यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वो सब प्लेस घूमने के लिए। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, आप अगर हमारे चैनल के नए दर्शक हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरह की सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन करना मत भूलिए। दार्जिलिंग घूमने के लिए आपको हावड़ा से ट्रेन पकड़ के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप प्राइवेट कार बुक करके या फिर बस से आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। और जिन प्लेस के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब प्लेस घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन लग सकता है। नंबर 10, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट 1954 में 4 नवंबर इसको प्रतिष्ठा किया गया। इनका मेन उद्देश्य था माउंटेनिंग के लिए इंसान को इंस्पिरेशन दिलाना। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से इस इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। यहाँ का ओपनिंग टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। यहाँ का एंट्री फी है 40 रुपया। ये हिमालय के ऊपर बसा हुआ है बोल के इस प्लेस पर बहुत टूरिस्ट आके विजिट करता है, और इन प्लेस का चारों तरफ का नज़ारा वो भी काफ़ी सुंदर है। नंबर 9, दार्जिलिंग रोपवे। दार्जिलिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन के लिए तो फेमस है ही, इसके साथ साथ यहाँ का जो रोपवे है इनके लिए ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ का रोपवे 1968 में बनाया गया। रोपवे का जो बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 पीपल बैठ सकता है अप एंड डाउन के लिए। यह रोपवे सिंगमारी से लेकर सिंगला बाजार तक चलता है। यहाँ का रोपवे का एंट्री फ्री है 200 रुपया और बच्चों के लिए 100 रुपया। टोटल टाइमिंग लगता है 1 से 2 घंटे के आसपास। रोपवे का टाइमिंग है विंटर में 10 AM to 4 PM एंड समर में 6 AM to 2 PM। नंबर 8, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। यह पार्क 1958 में प्रतिष्ठा किया गया पश्चिम बंगाल के एक्स गवर्नर पद्मजा नायडू के नाम के अनुसार। इस पार्क का नामकरण हुआ है। दरअसल ये एक चिड़ियाघर है। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से इसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। यहाँ का जो मेन एलिमेंट्स है वो है एशियाटिक ब्लैक बियर, लियोपार्ड्स, ईस्टर्न पेंगुइन, हिमालयन मोनाल, रॉयल बेंगल टाइगर, रेड जंगल फाउल, रेड पांडा। यहाँ का ओपनिंग टाइम है समर में 8:30 से लेकर 4:30 तक एंड विंटर में 8:30 से लेकर 4 PM तक। यहाँ का एंट्री फी है 20 रुपया। नंबर 7, पीस पैगोडा। यह पीस पैगोडा विभिन्न समुदाय में शांति स्थापना के लिए बनाया गया है। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से इसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। इसको बनाने का काम 1972 में 3 नवंबर को हुआ था, लेकिन 1992 1 नवंबर इसको ओपनिंग किया गया। इसको बनाने में पूरा 36 महीना समय लगा था। यह सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इसका अंदर में जाने का कोई एंट्री फी नहीं है। यह पीस पैगोडा निचिदात्सु फुजियनेर डायरेक्शन में निर्माण किया गया। नंबर 6, हैप्पी वैली टी एस्टेट्स। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। आप लोग तो जानते ही होंगे दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है। यहाँ पर कुल मिला के 80 से भी ज़्यादा चाय के गार्डन हैं। इन गार्डन में हर गार्डन के साथ टूरिज्म जुड़ा हुआ है। बहुत टूरिस्ट आते हैं इन गार्डन में जाके चाय के घास देखने के लिए। यहाँ पर कुल मिला के 17,500 हेक्टर जमीन को लेकर यहाँ का चाय का गार्डन है। गार्डन का साथ साथ यहाँ पर चाय का फैक्ट्री भी है, जो बहुत टूरिस्ट जाते हैं उस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए। नंबर 5, नाइटेंगल पार्क। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से इस पार्क का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। दरअसल ये एक पब्लिक पार्क है। 2011 साल में इस पार्क को फिर से रीओपन किया गया। इस पार्क के अंदर में भगवान जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति है। ये पार्क भी टूरिस्ट लोगों का बहुत पसंदीदा जगह है। इस पार्क में टूरिस्ट लोग आते हैं कांचनजंगा का सीमा देखने के लिए। इसका ओपनिंग टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। इस पार्क में जाने का एंट्री फी है 10 रुपया। नंबर 4, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। भारतवर्ष के 4 जो नैरो गेज रेल लाइन है उनमें से यह है एक। इसको टॉय ट्रेन का नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग तक जाता है। इसका टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर। इसका बनाने का काम 1879 to 1881 इसका बीचों बीच हुआ था।
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का सम्मान भी मिला है 1999 2 दिसंबर में। तो आप कभी अगर दार्जिलिंग घूमने गए तो इस ट्रेन में चढ़ना मत भूलिए। नंबर 3, बाताशिया लूप। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से बाताशिया लूप का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। बाताशिया लूप दरअसल एक हेयरपिन है जो ऊंचाई कम करने के लिए इसको बनाया गया है। बाताशिया लूप से दार्जिलिंग का जो ओवरव्यू है वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। बाताशिया लूप सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का एंट्री फ्री है ₹15 per person और यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय देना चाहिए। नंबर 2, रॉक गार्डन। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से रॉक गार्डन का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। पत्थरों को काट काट कर इस जगह को बनाया गया है। दरअसल ये एक पार्क है। यहाँ का ओपनिंग टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और यहाँ का एंट्री फ्री है इंडियन के लिए ₹10 और फॉरिजन के लिए ₹50 और यहाँ पर कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके अंदर में फूलों के गाछ झरना के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1, टाइगर हिल। यह टाइगर हिल में सनसेट एंड सनराइज देखने के लिए जो टूरिस्ट दार्जिलिंग में आते हैं वो लोग यहाँ एक बार जरूर आते हैं। यहाँ का ऊंचाई है 2590 मीटर। इस टाइगर हिल से कांचनजंगा का चोटी देखने के लिए मिलता है। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यह ओपन रहता है और यहाँ जब आप आइएगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पर टाइम जरूर स्पेंड करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।